मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूंगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ तथा सुंदर भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय। तो हम लोगों ने कल से शुरू किया था भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान देखो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बड़ा सब्जेक्ट है, पूरा तो पढ़ना नहीं, सामान्य विज्ञान पढ़ना है, ठीक है। लेकिन जितना पढ़ेंगे उतना सॉलिड पढ़ा जाएगा, न्यूमेरिकल्स हल नहीं करने वाले हैं, उसमें दिमाग नहीं खपाना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हल करेंगे तो फिर बाकी सब रह जाएगा, जो तुम्हारे काम की चीज़ें वही पढ़ेंगे। लेकिन इतना मेरा दावा है कि यहाँ से पढ़ने के बाद में एक नई सोच लेकर जाओगे प्रकृति के बारे में और विज्ञान के बारे में, ठीक है। और यही मेरा मकसद है कि आपको वैज्ञानिक तरीके से सोचने पर जो है मजबूर कर दें, चाहे जिस बैकग्राउंड से हो, चाहे आप जो है ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, लेकिन आपकी थिंकिंग जो है वैज्ञानिकता से परिपूर्ण होनी चाहिए। तो ये मेरा जो है मकसद रहेगा। अब शांत हो जाओ। तो हम लोगों ने शुरू किया था फिजिक्स भौतिक विज्ञान शुरू किया था। कल की क्लास जो है हम लोगों ने एक इंट्रोडक्टरी क्लास रखी थी, तो हमने बताया था फिजिक्स क्या है, भौतिकी क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है। तुमने बताया था जो हमारे ब्रह्मांडीय पिंड है, ब्रह्मांड की जो है एक रचना हुई थी 13.7 बिलियन ईयर्स आगे जो है ब्रह्मांड अस्तित्व में आया था, तो मैटर और एनर्जी उत्पन्न हो गई थी, ठीक है। और साथ में जो है स्पेस आया था, मतलब अंतरिक्ष की उत्पत्ति हुई थी जिसमें सारी चीज आ गई थी, और गुरुत्वाकर्षण बाई प्रोडक्ट के रूप में आ गया था। सभी पिंड अपने साथ क्या लेकर आए थे, गुरुत्वाकर्षण लेकर आए थे, ठीक। तो फिजिक्स क्या है, एक्चुअली मैटर और एनर्जी के संबंधों का अध्ययन करने का एक विषय है। कल हमने बताया था पदार्थ अर्थात द्रव्य और उसमें निहित ऊर्जा और उनके बीच योजक जो है, गुरुत्वाकर्षण जो है, ग्रेविटी जो है, उनके बीच के संबंधों को अध्ययन करने वाला एक विषय है। अब देखो इसको फिजिक्स को पढ़ने के लिए जिस तरीके से, मतलब आप अंग्रेजी सीखते हो तो अंग्रेजी सीखने के लिए आपको अल्फाबेट्स आने चाहिए, ए बी सी अल्फाबेट्स हैं, कितने अल्फाबेट्स हैं, 26। तो 26 अल्फाबेट्स आपको सीखने होंगे तभी तो आप अंग्रेजी सीख सकते हो। तो इसी तरीके से आपको भौतिक विज्ञान सीखने के लिए जो भौतिक राशियां हैं वो सीखनी पड़ेंगी, वो क्या चीज होती है, फिजिकल क्वांटिटीज जिसको बोलते हैं। भाई फिजिक्स की बात हो रही है तो भौतिक चीजों की बात होगी यहां पर। भौतिक चीजों से जब बियॉन्ड चले जाते हैं, सब कुछ ईश्वर ने बनाया है भौतिक चीजों को, सारी चीजों की रचना ईश्वर ने की है। जैसे विज्ञान में कहते हैं फलाने ने जो है खोज दिया, चलो यहां तक तो बात सही है, लेकिन कहते हैं फादर ऑफ फलाना, फादर ऑफ फलाना, मदर ऑफ फलाना, अरे पिता कहते हैं ना, पिता किस, जैसे जो है कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट, किसने, रॉबर्ट कौन, रॉबर्ट हुक, हाँ हुक, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अब कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कैसे हो जाएगा भाई, पिता थोड़े नहीं है उसने, ये तो पिता तो एक ही है, परम पिता परमेश्वर, उसी ने सब कुछ बनाया है। उसमें हम क्या करते हैं, खोज करते हैं सिर्फ, उसमें से हम अपने लिए खोज लेते हैं कि हमारे काम की चीज क्या है, बस वो हमें बीन लेना है। सब कुछ तो देके गया है ईश्वर, सब कुछ बना कर गया है, सिर्फ हमें, एक वैज्ञानिक जो होता है क्या करता है, उन चीजों को खोज लेता है, नियम को खोज लेता है, उसमें से सारे नियम प्रकृति में बनाकर ईश्वर चला गया है, चला नहीं गया है कहीं, वो जो है अनंत और जो है अदृश्य है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, अनंत है, कण कण में है, सब जगह है, सब कुछ बताया जा चुका है पहले से, ये जो है प्रूवन बात है कि कण कण में ईश्वर है। तो वो व्यवस्था बनाकर गया है, लेकिन उस व्यवस्था को खोजने का काम किसका है, हम इंसानों का है। जो खोज लेता है उसमें से व्यवस्था, वही वैज्ञानिक हो जाता है। तो वो फादर नहीं है, ये गलत है, लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं कि फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ जियोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न जो है साइंस, ढकाना, ये गलत चीज है। फादर नहीं कह सकते, फादर तो सिर्फ एक ही है जिसने यहाँ पर जन्म दिया है इस चीज को, ठीक। तो यहाँ पर हम भौतिक राशियों का अध्ययन करेंगे सबसे पहले, जो है भाई फिजिकल वर्ल्ड को समझना। जैसे अब जैसे आप लोग चेस बहुत लोग खेलते होंगे, खेलते हैं कि नहीं, ठीक है। अब ये चेस है, ठीक है, इसमें जो है ऐसे खाने बने होते हैं, ठीक है, इस तरीके से शायद 8 खाने बने होते हैं, जो है
ठीक है। अब इसमें कुछ गोटियां होती हैं, भेड़ बकरी बैल बर्द सब होते हैं, क्या क्या होते हैं जो है, इधर प्यादा होता है, पैदल होता है, इधर रखा होता है, फिर हाथी ऊंट घोड़ा गधा सब जो कुछ भी है, राजा रानी सब इसमें होते हैं, सजाए होते हैं इन गोटियों में, ठीक। तो अब ये सब सारी गोटियां हो गई, और इधर जो है खेलने वाला मान लेते हैं एक पवन महाराज है, ठीक है, कोई बंदा है पवन बैठा हुआ है, इधर कोई बादल बैठे हुए जो खेल रहे हैं, ये खेल खेल रहे हैं पवन और बादल, ठीक है। ये पवन हो गए जो बैठे चाल चल रहे हैं, ये बादल हो गए जो बैठे चाल चल रहे हैं, और यहाँ पर तान्या बैठी है, यहाँ पर तान्या बैठी है जो ऑब्जर्व कर रही है, जो क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है, इन लोगों को खेल को देख रही है, ठीक। अब यहाँ पर ये इन्होंने पैदल चला और इस घेरे में रख दिया, पैदल को चला और इस घेरे में रख दिया, इन्होंने पैदल, इन्होंने जो है अपना जो है क्या उठाया, घोड़ा उठाया, और घोड़ा उठाया 1.5, घोड़ा उठाया और ढाई चल दिया, घोड़ा उठाया और ढाई। तान्या देख रही है बहुत कायदे से बैठ करके, लेके कॉपी कलम लेकर के बैठ रही, और यहाँ पर इसकी मम्मी बैठी हुई है, यहाँ पर इसकी मम्मी बैठी हुई, अभी समझ लो, देखो अभी समझते, यहाँ पर इसकी मम्मी बैठी, तान्या ने फोन लगाया अपनी मम्मी को और टिन टिन घंटी गई, और मम्मी को बताई कि अरे वो बादल जो चल रहा था प्यादा, वो एक खाना चलता है खाली, वो कितना चलता है, एक खाना, लेकिन उसमें एक घोड़ा भी है, घोड़े जैसे शक्ल का एक प्यादा है जो ढाई कदम चलता है, अर्थात घोड़ा ढाई कदम चलता है। फोन कर दिया, मम्मी को बता दिया, ये भी बात सब नोट कर रही है, मम्मी को बताती चल रही है समय समय पर। फिर उसने देखा कि इसका भी प्यादा इधर आ गया, इसका भी प्यादा इधर आ गया, और अब इसने इसने क्रॉस मारा और प्यादे को उड़ा दिया, अरे ये गजब हो गया, प्यादा तो सीधे चल रहा था, अब ये कैसे क्रॉस में चल गया। मम्मी फिर फोन की तान्या ने, अरे मम्मी, अरे वो थोड़ा संशोधन कर लो, उसमें प्यादा मारता है ढाई तिरक मारता है, तिरछा चल के मारता है, चलेगा सीधा लेकिन मारेगा कैसे, तिरछा मारेगा। तो ये तान्या समय समय पर जो है मम्मी को अपने फोन करके ये सारी चीजें, अब जो है हाथी जो है सीधा चल रहा है, हाथी के बारे में बता दिया, घोड़ा वो जो गधा है, गधा नहीं क्या कौन होता है, वजीर, वजीर जो है सीधा भी चलता है तिरछा भी चलता है, सारे नियम उसने देख लिए, सारे चीज उसने देख लिए कि अच्छा इस तरीके से चलते हैं। तो मम्मी को बताती रही और कुछ संशोधन जो होता रहा, नए तरीके से ऑब्जर्व किया कि अच्छा मारने के लिए जो है पैदल जो है तिरछा चलता है, तो सारे नियम उसने मम्मी को बताए। अब देखो इस कहानी से हम ये समझाना चाहते हैं कि ये क्या है, भौतिक संसार है, ये क्या है, फिजिकल वर्ल्ड है, ये फिजिकल वर्ल्ड, ये भौतिक संसार है, पीडब्ल्यू है, ये फिजिकल वर्ल्ड है, ये क्या है, फिजिकल वर्ल्ड है। और पवन और बादल जो उदाहरण दिए हैं, पवन तो हवा को मान लो, पवन तो प्रकृति ने बनाया है, किसको, ईश्वर ने बनाया है हवा, और बादल प्रकृति ने बनाया है, दोनों जो है टकरा रहे हैं आपस में, और टकराने से एक घटना उत्पन्न हो रही, एक घटना उत्पन्न हो रही, और उस घटना को ऑब्जर्व कर रही तान्या जो क्या है, वैज्ञानिक है, तान्या जो घटने को ऑब्जर्व कर रही है जो क्या है, वैज्ञानिक है, और उसमें से देख करके ये नियम बना रही, उसमें से देख करके क्या बना रही है, नियम बना रही है, और मम्मी को बता रही, मम्मी अर्थात रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बाकी लोग, संसार के बाकी लोगों को बता रही कि अच्छा ऐसे होता है प्रकृति में, बादल और हवा जब टकराते हैं तो वर्षा हो जाती है, एक घटना घटित हो गई वर्षा, वर्षा बगल में ही बैठी तान्या के, तो एक घटना हो जाती है वर्षा। तो ये क्या हो गए, प्रकृति ने इन चीजों को बना दिया, प्रकृति ने इस व्यवस्था को बनाया है फिजिकल वर्ल्ड में, भौतिक संसार में ये सारी व्यवस्था प्रकृति ने पहले से बना दी है, लेकिन एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, जो वैज्ञानिक है, वो क्या करता है, उसमें ढूंढता है अपने लायक कोई व्यवस्था, ढूंढता है कि अच्छा इससे हम क्या चीज बना सकते हैं, तो वो सिद्धांत दे देता है, फिर वो सिद्धांत देगा, ऐसे बादलों के निर्माण का सिद्धांत बन गया, ऐसे वर्षा का सिद्धांत बन गया, ऐसे थोड़े नहीं बना, किसी ने ऑब्जर्व किया होगा, लंबे समय तक देखा होगा। पहले तो हम डरते थे, पहले हम इंसान क्या, जैसे बादल गरजा और बादल चमका वैसे ही दुपक जाते थे, गुफाओं में भाग जाते थे, ओ क्या हो गया, अभी तो बिजली गिरेगी और मर जाएंगे। फिर हमने क्या करा, पूजना शुरू कर दिया, जय ईश्वर महाराज की, इंद्र देवता की जय हो, जिससे डर, भाई पूजा क्यों स्टार्ट होती, भय से और श्रद्धा से, भय उत्पन्न हो गया, डर गए प्रकृति से तो पूजना शुरू कर दिए, तो इंद्र देवता की कल्पना हो गई, इंद्र महाराज बहुत वर्षा करा रहे हैं, अरे महाराज शांत हो जाओ, वर्षा ना कराओ, तुम्हारी हम पूजा करते हैं, तो भय उत्पन्न हुआ कि नहीं। शेर आ गया सामने, शेर से डर गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भैया शेरा वाली मैया वापस ले लो, तो पूजा करने लगे कि नहीं, तो भय से जो है ईश्वर की कल्पना यानी पूजा की कल्पना उत्पन्न हो गई, श्रद्धा से तो बहुत बाद में आया, पहले जो हमारे आदि मानव थे, प्रारंभिक मानव थे, वो प्रकृति के भय से पूजा करना शुरू कर दिए प्रकृति की,
प्रकृति पूजा, तभी तो देखते हैं हम वृक्ष की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की करते हैं, पवन की करते हैं, सबकी करते हैं पूजा, के नहीं सारी चीजों की पूजा करते हैं। तो ये सब कंसेप्ट वहीं से आया है, ये सब कंसेप्ट वहीं से आया है। बाद में कुछ लोग जो है पढ़े लिखे समझदार लोग आने लगे, उनमें से सिद्धांत ढूंढना शुरू कर दिया। भारत तो यहाँ हजारों साल से गुलाम रहा है, कभी मुगलों का, कभी मुगलों का, कभी अंग्रेजों का। तो हमारे यहाँ उसके पहले था, उसके पहले भारत में ही कनाड जैसे जो है वैज्ञानिक पैदा हुए, भारत में जो है शल्य चिकित्सक पैदा हुए। क्या नाम था शल्य चिकित्सक का? सुश्रुत। सुश्रुत जैसे लोग पैदा हुए भारत में, जिन्होंने मेडिकल साइंस पे अच्छा काम किया, ठीक है। पतंजलि जैसे लोग हुए, योग पर पूरा विज्ञान खड़ा कर दिया। लेकिन वो सब लुप्त हो गई, वो सारे विज्ञान क्या हो गए? लुप्त हो गए, क्योंकि उसका प्रचार करने के लिए हमारे पास पांडुलिपियां जो थी विदेशी आया, सब क्या कर दिए? जला दिए। एक ससुरा जो बख्तियार खिलजी, वो तो पूरा नालंदे को जला दिया था, उसने आग लगा दिया, और नालंदा में जितनी किताबें थी, सब हस्तलिखित किताबें थी, जितनी सारी सत्यानाश कर दिया, आग लगा दिया, नहीं बहुत सारी चीजें उसमें थी। तो ऐसे करके हमारे देश के साहित्य का क्या हो गया? विनाश हो गया। नहीं तो भारत में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जो है, जो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यूरोप वाले तो अभी जो है मॉडर्न हुए हैं, कहते हैं हम आधुनिक हो गए हैं, यूरोप मतलब यूरोपियंस कंट्री कहते हैं हम आधुनिक। अरे हमारा देश तो बहुत पहले से आधुनिक था, वहां तक तुम पहुंच भी नहीं सकते हो। लेकिन बस समय के वो था कि हम लोग कुछ समय तक जो है अखंडित हो गए, विखंडित हो गए, और विदेशी आकर के हमारे ऊपर शासन करने लगे। तो इस तरीके से जो है ये एक व्यवस्था है जो प्रकृति ने बनाई है, उसमें ऑब्जर्व करते हैं, उसमें खोज करते हैं, ना कि वो फादर हैं, वो फाउंडर नहीं है, इसके फादर नहीं है, ये गलत पढ़ाया जाता है, फादर नहीं, वो क्या है? सर्च करते हैं, खोज करते हैं। वो व्यवस्था तो प्रकृति ने पहले से ही बना दी है, ऐसा थोड़े नहीं कि सेब जो है कौन न्यूटन ने खोजा था ना, न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देख लिया तो पहले ही बार सेब गिरा होगा। अरे सेब तो पहले से गिरता आ रहा है, न्यूटन देख करके गुरुत्वाकर्षण का नियम बना दिया उसने कि सेब अच्छा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से जमीन के नीचे आता है, नहीं तो ऊपर लटका रह जाए, सेब टूटे और ऊपर ही लटका रह जाए, तो उसने ग्रेविटी का नियम दे दिया। ऐसे थोड़े नहीं कि सेब उसी समय से गिरना शुरू हुआ था, सेब तो पहले से गिरता आ रहा था। तो ये सब कुछ प्रकृति में व्यवस्था थी, उसको जिसने पहचान लिया वही वैज्ञानिक हो गया, ठीक। तो यहाँ पर जो हम ये बात कर रहे थे कि ये सारी चीजें प्राकृतिक व्यवस्था का मतलब ये उसको सीखने की, जैसे हम सीखते हैं जो है हिंदी अंग्रेजी, तो लैंग्वेज भाषा सीखना होता है, कोई चीज़ बोलने के लिए बोलना है या कोई चीज़ लिखना है तो लैंग्वेज। तो फिजिक्स के वर्ल्ड को, फिजिक्स के संसार को सीखना है, फिजिक्स की दुनिया को सीखना है तो एक लैंग्वेज होनी चाहिए ना। तो वो लैंग्वेज ही समझ लो क्या है, भौतिक राशियाँ हैं, फिजिकल क्वान्टिटीज हैं, वही क्या है, फिजिकल क्वान्टिटीज हैं। अभी फिजिकल क्वान्टिटीज जो होती हैं, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, ये भौतिक राशियाँ जो है न्यूमेरिकल्स होती हैं, और इनका एक मान होता है, पद होता है, ये इसकी परिभाषा है कि भौतिक राशियां जो होंगी वो न्यूमेरिकल्स होंगी, नंबर्स होंगी, संख्या में होंगी, यानी संख्यावाचक होंगी। क्या होंगी? संख्यावाचक होंगी, और उनका एक पद होगा, उनका एक मान होगा, उनका एक जो है पद होगा, एक किसी पद पे होगी, ये बस परिभाषा, इतना नहीं समझना है। तो ये इसकी भौतिक राशि की क्या है, एक परिभाषा है। लेकिन जो है ये राशियां होती कितने प्रकार की हैं, तो वैसे मुख्य रूप से दो प्रकार की राशियां होती हैं भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मूल भौतिक राशि और दूसरी होती है व्युत्पन्न, डेराइव्ड। लेकिन एक तीसरी भी होती है, जो तीसरी होती है वो जो है दो प्रकार की तीसरी होती है, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो मुख्य रूप से तो दो ही प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं, जो होती है मूल, एक तो होती है मूल भौतिक राशि और दूसरी होती है डेराइव्ड या व्युत्पन्न। मूल का मतलब क्या होगा, जो एक जो आधार हो, मूल का मतलब क्या होगा, आधार हो, किसी चीज का क्या हो, आधार हो। अब जैसे मान लेते हैं, जैसे एक लकीर मैंने खींचा, एक लकीर का फकीर खींचा, एक लकीर ये खींच दिया, ठीक। अब इस लकीर को मैंने मान लिया मूल, मान लिया इसकी, इसकी हम जो है ये स्वतंत्र है, इसकी परिभाषा करने के लिए हम किसी से तुलना नहीं करेंगे। भाई इस संसार में तुलना करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए, किसी को तो आधार मानोगे। जैसे इस क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, अब बहुत सारे बच्चों में हमको तुलना करना है कौन श्रेष्ठ है, तो उसमें कुछ निकृष्ट भी तो होंगे। पता चला सारे बच्चे 100% लेके आ रहे हैं तो कैसे पता चलेगा सब कौन श्रेष्ठ है, ठीक। तो श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए उसमें एक आधार ढूंढना पड़ेगा, कोई ना कोई आधार ढूंढना। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक लकीर जो है ये आधार है, अब इसके आधार पे हमने एक लकीर और खींच दिया और इसको जो है हमने मतलब ये इसके चार गुने हो गई, चार पांच गुना बड़ी हो गई। तो ये कहा गया जो ए लकीर थी ये बी लकीर की तुलना में पांच गुने अधिक होगी, तो बी क्या होगी, बी क्या होगी मतलब 5 times गुणे ए,
जो कुछ भी होगा। तो ये वाले को क्या मान लिया हमने, आधार मान लिया। ये क्या मान लिया हमने, आधार मान लिया। अभी और समझ आगे समझ में आएगा। तो भौतिक राशियों को हम लोग यहां पर चलते हैं। भौतिक राशियां जो होती हैं दो प्रकार के मुख्य रूप से होती हैं, मूल भौतिक राशि और डेराइव्ड, फंडामेंटल और डेराइव्ड, मूल और व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब जिनको क्या किया गया हो, उत्पन्न किया गया हो। किससे, इस वाले से जिसको उत्पन्न किया गया हो, डेराइव किया गया हो, अर्थात उनको एक किसी को आधार बना करके उस आधार पे दूसरे की रचना की गई हो, तो उसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न। प्रश्न यहां से आएगा आपको कि जो मूल राशि होती है वो कौन होती है। ये तो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, लेकिन आपको जो प्रश्न आएगा एग्जाम में वो मूल राशि कौन कौन सी होती है, तो सात प्रकार की मूल राशियां होती हैं। ये प्रश्न आएगा, मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं, सात प्रकार की। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, फंडामेंटल भौतिक राशियां जो होती है, मूल भौतिक राशियां जो होती हैं वो कितनी होती हैं, सात होती हैं। ठीक, सात होती हैं। पहला तो एक आपका हो जाता है जिसको बोलते हैं आपको दूरी कह सकते हो, ठीक है, डिस्टेंस कह सकते हो, दूरी कह सकते हो, ठीक है। तो पहली दूरी हो गई, और दूसरा हो गया आपका क्या नाम है उसका, द्रव्यमान, मास। दूसरा हो गया द्रव्यमान, तीसरा हो गया समय। ठीक, ये तीन तो थे, पहले से चले आ रहे थे। तीन जो है दूरी, हाँ लंबाई, इसको लंबाई भी कह सकते हो, लंबाई और द्रव्यमान और समय, ये तीन तो पहले से चले आ रहे थे। अभी हम लोग देखेंगे किस तरीके से पहले चले आ रहे थे। और समय के साथ तापमान बाद में इसमें बढ़ गया ताप, ठीक है, और ताप के साथ में इसमें बाद में बढ़ गया आपका ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता बढ़ गई, और इसके साथ में और बढ़ गई पदार्थ की मात्रा, और क्या बढ़ गई, पदार्थ की मात्रा। हो गए सात की नहीं हुई, एक दो तीन चार पाँच छः सही हुए, एक हाँ एक विद्युत धारा भी छूट गया, एक क्या है, विद्युत धारा। तो ये सात जो है क्या है, भौतिक राशियां हैं, ये स्वतंत्र हैं, इनकी परिभाषा करने के लिए किसी की तुलना नहीं की जा सकती, ये स्वतंत्र। जो सात भौतिक राशियां हैं इनमें आपको नाम याद होना चाहिए, लंबाई या दूरी, द्रव्यमान, ठीक है, समय, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा और विद्युत धारा। तो प्रश्न इनमें से दे देगा, इसके अलावा एक दे देगा क्षेत्रफल, फिर कहेगा मतलब जो है इनमें से कौन मूल भौतिक राशि नहीं, तो आपको पहचानना होगा। तो मूल भौतिक राशि क्या होती है, जिससे जिसकी कोई मतलब तुलना नहीं की जा सकती है, जो अतुलनीय हो और जिसकी परिभाषा के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र चर होती है, स्वतंत्र राशि होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल या मूल भौतिक राशि। ठीक, तो अब इस मूल को इसकी कोई ना कोई मात्रा निर्धारित की गई है, कोई ना कोई क्या निर्धारित की गई है, मात्रा। जैसे अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई को मापने का एक स्केल होगा, पैमाना होगा ना, तो इस पैमाने को जो है कुछ लोग फुट में मापते हैं, कुछ जो है मीटर में मापते हैं, कुछ सेंटीमीटर में मापते हैं लंबाई को मापने के लिए। तो इस तरीके से ये कोई ना कोई मतलब स्केल बनाया गया होगा, मेजरमेंट बनाया गया होगा, एक इकाई यूनिट बनाई गई होगी, और वही इकाई जो होती है, वही यूनिट जो होती है, इनको भी मापती है, और इनसे उत्पन्न जो है, जो इनसे उत्पन्न जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं उनको भी मापी जाती है। तो बिना किसी माप के, बिना किसी जो है पदार्थ को बिना माप के हम फिजिक्स को, भौतिक वर्ल्ड को नहीं समझ सकते हैं। तो भौतिकी को समझने के लिए यहां पर क्या लाया गया, मेजरमेंट लाया गया, माप लाया गया। जैसे आगरा से दिल्ली की दूरी 200 किलोमीटर है, अब ये क्या होगी, एक लंबाई होगी, आगरा से दिल्ली की दूरी क्या होगी, लंबाई, ठीक है। तो इसको मापने के लिए पहले से प्रचलित थी तीन विधियां, पहले से क्या प्रचलित थी, तीन विधियां। एक विधि जो थी उसको बोलते थे एफ पी एस। पहले मैंने बताया शुरुआत में तीन ही मात्रा थे, तीन ही भौतिक राशियां थी प्रारंभ में, ताप आपके बारे में लोग इतना नहीं जानते थे, था तो लेकिन मेजर नहीं करते थे। तो पहले लंबाई को मापते थे और तराजू लेकर के वजन को माप लेते थे लीटर फीटर में, और समय को माप लेते थे, ठीक। तो मापना मतलब नापना, जैसे तराजू लेकर गए दुकान पे, कहे भैया तेरा किलो तौल दियो, तौलना, तो यही कहते हैं माप, यही क्या कहलाता है, माप, तौलना ही क्या कहलाता है, माप। तो ये फिजिक्स की बात है, जो हम लोग तौलते हैं, वजन जोखते हैं, सब क्या है, फिजिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक। तो पहली जो प्रारंभिक जो पहली विधि थी ये FPS कहलाती है, ये प्रश्न यहां से बनेगा। FPS पद्धति जो थी इसमें किसको क्या मापा जाता था और क्या थी, तो FR हो गया फुट, फुट में मापा जाता था ये, और P हो गया पाउंड, और S हो गया सेकंड। अब ये
क्या चीज हो गया, फुट में किस चीज को माप रहे हो, लंबाई माप रहे हो, फुट में किस चीज को माप रहे हो, लंबाई को माप रहे हो, पाउंड में किस चीज को माप रहे हो, द्रव्यमान को माप रहे हो, पाउंड में द्रव्यमान, और सेकंड में समय को माप रहे हो। तो ये प्रणाली जो थी, पाउंड से आप चले जाओ ब्रिटेन, पाउंड से कहां चले जाओ ब्रिटेन, स्टर्लिंग पाउंड वहां चलती है, एक जो है पैसा वहां का, रुपया वहां का क्या कहलाता है, पाउंड कहलाता है। तो आप पाउंड से याद रखोगे। तो ये प्रश्न यहां से पूछा जाएगा, एफपीएस प्रणाली जो थी मापने की, नापने की, एफपीएस प्रणाली किस देश की है, ये ब्रिटेन की। तो ये प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। तो एफपीएस प्रणाली ब्रिटेन की है, और ब्रिटेन ने जो है फुट को मापा, लंबाई को फुट में मापा, और द्रव्यमान को पाउंड में मापा, और समय को सेकंड में मापा। तो ये प्रणाली कहां की थी, इंग्लैंड की थी। यहां से प्रश्न आएगा, ठीक। जैसे अभी भी पाउंड कहते हैं, बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं कितने पाउंड का है, या केक खरीदने जाते हो तो वहां कहते हैं कितने पाउंड का केक चाहिए, अभी भी किलो नहीं कहते हैं, कितने पाउंड का, एक पाउंड दो पाउंड का दे दो। या जो गोला फेंकते हैं, गोला फेंकते ना, कहते हैं दो पाउंड का है, चार पाउंड का है, तीन पाउंड का है, गोला वाला फेंकते हैं ना, गोला फेंक होता है ना, पाउंड में ही तो बात करते हैं, तो अभी भी चली आ रही है। तो ये पहली प्रणाली हो गई। दूसरी प्रणाली की अगर बात करें तो CGS प्रणाली कहलाती है, CGS प्रणाली। C मतलब सेंटीमीटर, यही चीज को नापना है, लंबाई, द्रव्यमान और समय, तीन ही चीज अभी प्रचलन में है। अभी कितनी चीज प्रचलन में है, तीन ही चीज। तो C इसको सेंटीमीटर में मापेंगे, लंबाई को किस में मापेंगे, सेंटीमीटर के, CM कह सकते हैं। और जो आपकी द्रव्यमान है उसको किस में मापेंगे, ग्राम में मापेंगे, और समय को इन्होंने भी सेकंड में मापा, समय को इन्होंने भी किस में मापा, सेकंड में। तो ये प्रणाली आ गई आपकी फ्रेंच से, ये प्रणाली कहां से आ गई, फ्रेंच से। तो ये प्रणाली आपको ध्यान रखना है, जो CGS प्रणाली है ये कहां से आई है, फ्रेंच से आई है, फ्रांस से आई है, फ्रांसीसी भी भारत आए थे, और फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बीच में यहां पर युद्ध हुए थे, एंग्लो फ्रेंच वार हुए थे, एंग्लो कर्नाटक, एंग्लो कर्नाटक वार हुए थे, तो कर्नाटक वार फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच हुए थे। तो हिस्ट्री से इसको भी जोड़ते चलो, ठीक। और तीसरी चीज क्या है, MKS प्रणाली। तीसरी प्रणाली क्या है, MKS। M मतलब यही नापना है, लंबाई, द्रव्यमान और समय नापना है। तो M किसके लिए हो गया, मीटर, M पर मीटर हो गया, K हो गया केजी, किलोग्राम हो गया, और समय हो गया सेकंड के लिए। तो अब इसमें ये प्रणाली जो थी ये व्यवसायिक प्रणाली कहलाई, ये कौन सी प्रणाली थी, व्यवसायिक प्रणाली। ये व्यवहारिक और व्यवसायिक प्रणाली थी, व्यवहारिक थी और व्यवसायिक प्रणाली थी। व्यवसायिक मतलब जो है अपना खरीद फरोख्त में इसी का प्रयोग किया जाता है, खरीद फरोख्त या कुछ भी, कोई चीज लेना है, खरीदना है तो जाते हैं सब्जी खरीदने, तो किलो में तो तौलता है, एक किलो सब्जी दे दो, किलो, पांच किलो, दस किलो, ठीक है। और अब इसमें तीनों में एक चीज कॉमन देखोगे, सेकंड, तीनों में क्या कॉमन है, तो प्रश्न यहां से बनेगा कि जो तीन प्रणालियां प्रारंभ में विकसित हुई थी माप की, नापने की तीन प्रणालियां जो प्रारंभ में विकसित हुई, इसमें क्या चीज कॉमन है, सेकंड कॉमन है, समय कॉमन है, समय को सबने किस में मापा, सेकंड में मापा, और बाकी तीनों में जो है लंबाई के माप अलग है और द्रव्यमान का माप अलग है, ठीक। तो ये तो प्रणाली हो गई, ये लंबे समय तक व्यवहार में रही और व्यवसाय में रही, कौन सी, MKS प्रणाली। तो एक प्रश्न यहां से भी बन गया, ये दे देगा तीन इसमें से, और कहेगा कौन सी प्रणाली जो है व्यवहारिक प्रणाली थी, व्यवसायिक प्रणाली थी, जो समय काफी समय तक इस्तेमाल की जाती रही, तो MKS प्रणाली। कौन सी प्रणाली, MKS प्रणाली। अब चौथी प्रणाली, अब इससे काम बनेगा नहीं, तो 1967 में मापतौल विभाग, अंतरराष्ट्रीय मापतौल सम्मेलन होता है, इंसानों का एक सम्मेलन होता है कि भैया एक कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे पूरी व्यवस्था अच्छी तरीके से बन जाए। तो यहां पर एक पद्धति निकल कर आती है, SI प्रणाली। यहां पर एक प्रणाली निकल के आती है जिसको कहा गया SI प्रणाली, ठीक है। SI प्रणाली ये अंतरराष्ट्रीय मापतौल प्रणाली थी। ये कैसी प्रणाली थी, अंतरराष्ट्रीय मापतौल प्रणाली। अब इस प्रणाली ने जो व्यवस्था अपनाई वो सात जो है भौतिक राशियों की व्यवस्था अपनाई, इसी सात भौतिक राशियों को मापने की व्यवस्था किसने अपनाई, SI प्रणाली ने। और यही आज यूनिवर्सल है, यही आज क्या है, सार्वभौमिक है, पूरे संसार में यही प्रणाली आज हम यूज करते हैं। तो इसके लिए लंबाई, लंबाई को किस में मापा जाता है, मीटर में, लंबाई को इन्होंने किस में मापा। अब हम SI प्रणाली की बात करेंगे, जो चौथी प्रणाली, चार प्रणाली हमने बताया कि चार प्रणालियों में मापते हैं। तो जो SI प्रणाली है जो 1967 में व्यवहार में आई, कब आई, 1967 में आई, तो इस प्रणाली से भाई GS पढ़ रहे हो तो सन भी पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री भी घुसड़ सकता है, प्योर फिजिक्स थोड़े नहीं पढ़ रहे हो। तो कहेगा SI प्रणाली कब अस्तित्व में आई, 1967
सनसेट में आई थी। ठीक, तो लंबाई को मापने, अब इसका मात्रक यानी इसकी इकाई क्या थी, यूनिट क्या थी, लंबाई को मापने के लिए क्या लिया इन्होंने, मीटर लिया। लंबाई को मापने के लिए इन्होंने मीटर लिया और एम से डिनोट किया, मीटर लिया और किसे डिनोट किया, एम से। अब मास को, द्रव्यमान को मापने के लिए उन्होंने किलोग्राम लिया, क्या लिया, किलोग्राम लिया और कैसे डिनोट किया, केजी से डिनोट किया। समय को मापने के लिए तो वही पुराना जो आ रहा था, सेकंड लिया। समय को मापने के लिए उन्होंने क्या लिया, सेकंड लिया और एस से डिनोट किया। ताप को मापने के लिए उन्होंने केल्विन का प्रयोग किया, ताप को मापने के लिए केल्विन का प्रयोग किया और इसको के से डिनोट किया। ज्योति तीव्रता को मापने के लिए उन्होंने कैंडल लाइट डिनर किया, कौन कैंडल जला रहा है, तो कैंडल से याद कर लो कैंडला, कैंडल से क्या याद कर लो कैंडला, और इसको सीडी से डिनोट किया। तो प्रश्न यहां से पूछा जाएगा, इतना सरल नहीं पूछ लेगा, लंबाई को मीटर ये नहीं पूछ लेगा, आपसे पूछा जाएगा ज्योति तीव्रता किससे मापी जाती है, कैंडला से, किससे माप, ये कौन सी भौतिक मात्रक, ये मतलब ये भौतिक राशियों को मापने वाली, मूल भौतिक राशियों को मापने वाली मूल राशि, मूल मात्रक है, ये कौन सी मात्रक है, मूल मात्रक है जी, मूल राशियों को माप रहे हैं तो मूल मात्रक भी होंगे, तो ये कौन से मात्रक है, मूल, फंडामेंटल मेजरमेंट है, फंडामेंटल जो है मेजरमेंट यूनिट है। ठीक, और पदार्थ की मात्रा को किससे मापा जाया था, मॉल में, वो वाला मॉल नहीं खरीदारी करने वाला, ठीक, ये MOL मॉल, MOL मॉल में, तो मॉल में जाकर के क्या मापोगे, पदार्थ की मात्रा। भाई पदार्थ सब कहां मिलेंगे, मॉल में मिलेंगे, कहां मिलेंगे, मॉल में मिलेंगे, कौन से मॉल में, फतेहाबाद वाले मॉल में पदार्थ वहां मिलेंगे, तो उससे मापोगे, किससे, मॉल से मापोगे। ठीक, ये इसको यही लिखा ही गया है, मॉल से ही लिखा ही गया, ये एक्चुअली क्या है, ये फिजिक्स की बात नहीं थी, इसको ले लिया है केमिस्ट्री से, अब केमिस्ट्री से ले लिया है तो कहा भैया तुम जैसे आए वैसे रहे हो, जैसे तैसे हो, तो इसको जैसे तैसे रखा गया है पदार्थ की मात्रा, तो इसको मॉल से MOL इसी से जो है लिखा जाता है। और जो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसको एम्पियर से मापा है, तो प्रश्न यहां से भी पूछा जाता है, विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, एम्पियर से, इसके लिए ये डिनोट किया गया। तो अब ये चीज आपको याद होनी चाहिए, इनमें से जो महत्वपूर्ण है वो ताप को केल्विन, ताप का केल्विन आ जाएगा, जो क्या है, जो बेसिक है, फंडामेंट मूल है, ये मूल मापक है, ये क्या है, मूल मापक है। ज्योति तीव्रता, ये क्या है, कैंडला, तो कैंडल से याद करो, कैंडल में कल मैंने जला के दिखाया था, तो कैंडल में ज्योति जल रही थी और उसी ज्योति को मापते हैं कैंडल से, कैंडला से मापते हैं, किससे, कैंडला से, तमाम कैंडल से मापो तो कैंडला हो गया, एक कैंडल कैंडल हो गया, तो कैंडला से माप रहे हैं क्या, ज्योति तीव्रता को। ठीक, और पदार्थ की मात्रा को, भाई पदार्थ खरीदने गए मॉल में, फतेहाबाद वाले मॉल में, तो काहे से मापोगे, मॉल से मापोगे, और विद्युत धारा एम्पियर से, विद्युत धारा एम्पियर से, तो ये जो है माप की कौन सी इकाई हो गई, मूल इकाई हो गई, मापने की मूल इकाई हो गई। अब इसी से उत्पन्न होगा डेराइव्ड, इसी से क्या उत्पन्न होगा, डेराइव्ड व्युत्पन्न, इसी से क्या उत्पन्न होगा, व्युत्पन्न। अब व्युत्पन्न कैसे करते हैं, जैसे भाई उत्पन्न इन्हीं से करना है, अब जैसे मान लेते हैं जो है ये स्कूल है, एक कॉलेज है, अब इस कॉलेज के वहां से गेट से लेकर पीछे वाले गेट तक जो है ये क्या हो गई, एक लंबाई हो गई, ये क्या हो गई, एक लंबाई हो गई, और लंबाई को किससे माप लिया हमने, मीटर से, किससे माप लिया, मीटर से। अब जो है हमने कहा भैया यहां पर क्या करेंगे, जो है इसका पूरा एक एरिया निकालेंगे, ये क्या निकालेंगे, एक क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, तो ये इसमें क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई लेनी पड़ेगी, लंबाई गुणे चौड़ाई लेनी पड़ेगी, क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई लेनी पड़ेगी, तो लंबाई गुणे चौड़ाई लोगे तो क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा, एरिया निकलेगा। तो क्षेत्रफल को हमने क्या किया, डेराइव्ड किया है, व्युत्पन्न किया है, व्युत्पन्न उत्पन्न किया है, किससे, लंबाई से, किससे उत्पन्न किया है, लंबाई से। जो एक टुकड़ा था, एक सड़क थी, लंबी सड़क या जो कुछ भी एक भूमि का टुकड़ा था, जो लंबाई को डिनोट कर रही थी, मीटर में मापा गया था, और उसी को लेकर के हमने यहाँ पर दो, उसकी दो इकाई ले ली, दो मीटर ले लिया, एक लंबाई वाला मीटर, एक चौड़ाई वाला, लंबाई तो हमने माप लिया, फिर एक चौड़ाई भी माप लिया, फिर दोनों को उठा करके गुणा कर दिया, स्क्वायर बना दिया, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, मीटर। तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अर्थात एरिया क्या होगा, एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर इसका क्या हो गया, माप हो गया, इसका क्या हो गया, माप हो गया, दो मीटर उठा करके, यानी लंबाई का मीटर और चौड़ाई का मीटर उठा करके हमने डिराइव कर दिया, उत्पन्न कर दिया क्षेत्रफल को।
तो क्षेत्रफल आप क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि हो गई और उसका मापक जो क्या हो गया, एम स्क्वायर हो गया। उसका मापक क्या हो गया, एम स्क्वायर। गणित में फार्मूला याद करते हो रटते हो, लेकिन यहाँ पर आप इस तरीके से समझ लोगे इस भौतिक, तभी तो शायद हमको कहा जाता है गणित और जो फिजिक्स का चोली दामन का साथ है। भाई फिजिक्स लॉ को समझाएगी और उसको अब जो है आपको अप्लाई कहाँ करना है, गणित में करना है, मैथ्स में करना है। मैथ्स तो मेरा बचपन से कमजोर रहा है। तो यहाँ पर जो है क्षेत्रफल को क्या किया गया, डिराइव। अब जो है हमारे दिमाग में आया कि यहाँ पर मकान बना देते हैं, उसी क्षेत्रफल में क्या कर देते हैं, मकान बना देते हैं। अब ये कमरा बन गया, अब ये क्या बन गया, कमरा बन गया। उसी क्षेत्रफल में क्या बन गया, कमरा। तो ससुर ऊंचाई भी मिल गई, वहां पे क्या मिल गई, ऊंचाई। छत बनाई ना तो ऊंचाई भी मिल गई, तो यहाँ पर उसको भी मीटर में माप लेंगे। लंबाई तो ली ही, चौड़ाई तो ली ही, और उसको क्या किया, ऊंचाई भी ले ली। तो लंबाई का मीटर ले लिए और चौड़ाई का मीटर ले लिए और ऊंचाई का मीटर ले लिए, तो ये बन गया एम क्यूब। ये क्या बन गया, एम क्यूब बन गया। और इसे कहा गया आयतन, इसे क्या कहा गया, आयतन। आयतन को हमने क्या किया, डेराइव्ड किया है। क्या किया है, डेराइव किया है, व्युत्पन्न किया है। आयतन को क्या किया है, व्युत्पन्न किया है। तो ये हो गया आपका डेराइव्ड। तो इस तरीके से बहुत सारी राशियों को आप क्या कर सकते हो, डेराइव्ड कर सकते हो, जो क्या होती है, डेराइव्ड राशि होती है, जो क्या कहलाती है, डेराइव्ड राशि। जो प्रश्न आते हैं वो तीन मुख्य स्रोत से प्रश्न आते हैं। एक तो आपका आ जाता है क्या, जो है क्या कहते हैं उसको भाई, जो क्या नाम, न्यूटन। न्यूटन किसकी इकाई है, फिजिक्स वाले बताएं, बल की। तो प्रश्न यहां से आएगा, बल, बल, बल क्या है, डेराइव्ड है। बल क्या है, डेराइव्ड है। बल व्युत्पन्न राशि है और बल की जो इकाई है न्यूटन है। बल की इकाई क्या है, न्यूटन। अब ये कैसे डिराइव किया गया है, इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि बल न्यूटन किसकी इकाई है, बल की इकाई है, फोर्स की इकाई है। तो इतना जानते रहो, अभी आप डिराइव कर सकते हो, मैंने फार्मूला बता दिया है, तो आप इसको डिराइव करके निकाल सकते हो, ठीक। और इसके अलावा आपका कार्य, बल के साथ साथ में एक होता है कार्य, वर्क, वर्क। अब वर्क जो होगा, वर्क की इकाई क्या है, जूल। वर्क की इकाई क्या है, जूल। तो प्रश्न यहां से आता है, जूल किसकी इकाई है, बल जो है कार्य की। तो कार्य क्या है, डिराइव्ड है। कार्य क्या है, व्युत्पन्न है। कार्य व्युत्पन्न है। अब जब कार्य करेंगे तो शक्ति उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी, शक्ति उत्पन्न होगी। इधर नहीं आ रहा। अब एक तीसरी जो महत्वपूर्ण डिराइव्ड राशि है क्या है, शक्ति, पावर। अब पावर किसमें मापते हैं, वाट में मापते हैं। तो पावर की जो इकाई है, पावर की यूनिट क्या है, वाट। कहते ना 50 वाट का बल्ब ले आना, 100 वाट का बल्ब ले आना। बल्ब में क्या है, पावर है, बल्ब जल रहा है, तो उसको किस में मापते हैं, वाट में मापते हैं। उसमें उसको किस में मापते हैं, वाट में। तो ये तीन चीज इसलिए मैंने बताई कि जो है ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशियां हैं। और यहां से प्रश्न आते हैं, शक्ति को, पावर को किस में मापते हैं, वाट में मापते हैं। बल को किस में मापते हैं, न्यूटन। भाई न्यूटन को ऐसे याद रखो ना, सेब गिरा था, ग्रेविटी लगी थी, बल लगा था, तो न्यूटन ने वहीं से न्यूटन का सिद्धांत चलाया, बल का, फोर्स का। फोर्स से ही सेब गिरेगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से नीचे आ गया, तो जो है वो न्यूटन कहलाया। तो बल की इकाई क्या है, न्यूटन है। और जब आप जो है कार्य करोगे भाई, तो मतलब वो बल लगाओगे तो कार्य उत्पन्न होगा। बल लगाओगे तो क्या उत्पन्न होगा, कार्य उत्पन्न होगा। और कार्य को जूली में मापते हैं, जूली नहीं, जूल में। कार्य को किस में मापेंगे, जूल में मापेंगे। तो जूली कार्य कर रही है तो ऐसे याद रखो, जूली कार्य कर रही है तो जूल में माप लो उसको। कार्य कर रहे हो तो जूल में मापा जाएगा। और कार्य करोगे तो बल्ब जलेगा, शक्ति उत्पन्न होगी, और शक्ति उत्पन्न होगी तो उसको मापेंगे वाट में। बल्ब से याद रखो, बल्ब कितने वाट का लगाया, 7 वाट का लगाया। आजकल तो 7 वाट वाले बल्ब खूब उजाला देते हैं, सफेद वाले, ठीक है। और पहले हम लोग 100-100 वाट का बल्ब लाते थे, अब पता चले अगर 100 वाट के 2 बल्ब लगा दो, साला 4000 का बिल आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये कौन सी राशियां हैं, डेराइव्ड राशियां हैं। ये कौन सी राशि है, डेराइव। इनको क्या किया गया, व्युत्पन्न। और कुछ सप्लीमेंट्री राशियां होती है, जो मैंने बताया तीसरी भी राशि होती है, दो होती है सप्लीमेंट्री राशि, दो होती हैं, जो मूल होती हैं, जो क्या है, मूल होती हैं। तो मूल सप्लीमेंट्री राशि दो होती हैं, एक तो एंगल होता है, ये क्या होता है, कोण। ये क्या होता है, कोण होता है, ठीक। अब इसको कोण भी कहते हैं, और या तो इसको प्लेन एंगल भी कहते हैं। प्लेन एंगल हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, प्लेन को सम जो है, ठीक। तो एक तो कोण हो गया, ठीक, और एक होता है आपका घन कोण। एक क्या होता है, घन कोण।
तो ये दोनों क्या है? पूरक। हाँ, हिंदी में कहते हैं सप्लीमेंट्री को पूरक। तो पूरक मूल भौतिक राशि है, ये भी मूल है लेकिन ये कैसी है? पूरक है। पूरक मूल भौतिक राशि दो है, एक एंगल है, कोण है, और दूसरा क्या है? घन कोण है। दूसरा क्या है? घन। भाई एंगल तो सीधे प्लेन इस तरीके से निकाल ली, एंगल हो गया, ठीक। लेकिन अगर मान लो किसी क्यूब का एंगल निकालना है, किसी जो है मतलब जिसका अपना ऊंचाई हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, सब कुछ हो, उसका निकालना है, तो क्या कहलाएगा? घन क्यूब, घन कोण कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? घन कोण। तो इसको इसको मापते हैं किससे? जो है रेडियन से। इसको किससे मापते हैं? रेडियन से मापते हैं। कोण को किससे मापते हैं? रेडियन से। तो इसका जो वो होता है, क्या नाम है, फार्मूला होता है, अर्थात जो मात्रक होता है, आरईडी, रेड से पढ़ा जाता है, रेडियन। हाँ, और जो घन कोण होता है, स्टेरेडियन, इसका जो होता है स्टेरेडियन होता है, ठीक। एसआरडी, स्टेरेडियन एसआरडी, इसका जो जो इकाई होती है, मतलब मापक होता है, एसआरडी शॉर्ट। तो ये जो है कैसी है? ये भी मूल भौतिक राशि है, लेकिन किस तरीके से? पूरक है, ये सप्लीमेंट्री है। लेकिन सात क्या है? सात मूल भौतिक राशियां हैं। यहां से प्रश्न आता है, तो इनके मापो और इनके जो है आपको कौन से मतलब इसके मापक हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो सात भौतिक राशियां आपको यही याद होनी चाहिए। शुरुआत कहां से करोगे? लंबाई से। लंबाई, उसके बाद में द्रव्यमान, उसके बाद में समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो ये सातों भौतिक मूल भौतिक राशियां आपको पता होनी चाहिए। और जो महत्वपूर्ण जो इसमें प्रश्न बनते हैं, आपको पूछ लेगा ताप किससे मापा जाता है? केल्विन से। कैसे? केल्विन से। अब ताप को जो है उससे नहीं मापने लगना, क्या नाम है, सेल्सियस से। सेल्सियस वो डिराइव्ड हो जाएगा, ठीक है। फंडामेंटल मूल क्या है? केल्विन है, ठीक है। और इसी प्रकार से ज्योति तीव्रता किससे मापी जाती है? कैंडल जला करके ज्योति, ऐसे याद रखो कि हमने कैंडल जलाया और उसमें ज्योति निकल रही है, ज्योति प्रकाश जो इल्यूमिनेशन हो रहा है उसका जो है तीव्र ज्योति तीव्रता दिखाई दे रही है, तो उसको कैंडला से माप लेते हैं। तमाम कैंडलों से मापो तो कैंडला हो गया, एक कैंडल से मापोगे तो कैंडल हो जाएगा, तो उसको कैंडला से मापते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से पदार्थ की मात्रा, पदार्थ कहाँ मिलेगा? मॉल में मिलेगा। तो मॉल किसका मापक हो गया? पदार्थ की मात्रा का मापक हो गया। तो इस तरीके से ये सातों भौतिक राशियां, जो सातों मूल भौतिक राशियां हैं, इनके मापने के ये क्या है? आपके मेजरमेंट तरीके हैं। और इनसे हम उत्पन्न कर सकते हैं अन्य भौतिक राशियां, जैसे आपका क्या हो गया? एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल हमने जो है एक तो लंबाई ले ली, एक जो है लंबाई ले ली और एक उसकी चौड़ाई ले ली, तो एम स्क्वायर हो गया दो चीज। और आयतन, अब उसी क्षेत्रफल पे हमने क्या बना दिया? घर बना दिया। तो वहां पर वो एक आयत बन गया कि नहीं? आयतन हो गया वो, तो उसकी ऊंचाई भी मिल गई। तो तीन भुजाएं, तीन चीज मिल गई उसकी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो आयतन हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो इस तरीके से आप और बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। पीडीएफ में मैंने और सारी चीजें दे रखी हैं, तो वो आप वहां पर जाकर के कर सकते हो। लेकिन प्रश्न जो यहाँ, अरे शांत रहो भाई, और जो प्रश्न यहाँ पे बनता है, बल, बल का मात्रा क्या है? न्यूटन। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, बल का मात्रा क्या है? न्यूटन है। कार्य का मात्रा क्या है? जूल, जूली, जूल, जूली, जूल, जूली, याद रखो। कार्य का मात्रा क्या है? जूल। और शक्ति का मात्रा क्या है? वाट है। वाट लग गई किसकी? बल्ब की, ठीक। तो बल्ब जो है शक्ति है, पावर है उसमें। तो इस तरीके से ये अब हम लोग इसी में डेराइव में ही पढ़ेंगे जो है आगे, सदिश राशियां और अदिश राशियां, ठीक। ये डेराइव से ही उत्पन्न होती है, ठीक। तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे।